इसरो की तमाम कोशिशों के बाद भी विक्रम से संपर्क नहीं हो पाया है और अब विक्रम से संपर्क की सारी उम्मीदों पर फुल स्टॉप लग चुका है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने सभी भारतीयों को उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद कहा है। 7 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से कुछ ही मिनट पहले इसरो का लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया था, जिसके कारण अभियान को थोड़ी असफलता का सामना करना पड़ा था। थोड़ी असफलता इसलिए क्योंकि ऑर्बिटर लगातार चंद्रमा के चक्कर काट रहा है और उसकी तस्वीरें भेज रहा है। जब इसरो का विक्रम से संपर्क टूट गया था, उसके बाद सभी देशवासियों सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो का हौसला बढ़ाते हुए कहा था कि संपर्क टूटा है, उम्मीदें नहीं। इसी बात से खुश होकर इसरो ने ट्वीट करते हुए सभी देशवासियों को धन्यवाद कहा है। इसरो ने ट्वीट कर कहा कि हमारे साथ खड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। हम दुनिया भर में सभी भारतीयों की आशाओं और सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे। हमें प्रेरित करने के लिए शुक्रिया। 47 दिनों की यात्रा के दौरान चंद्रयान 2 ने कई मुश्किल पड़ाव पार किए थे। आखिर में उसे लैंडर विक्रम के जरिए रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर उतारना था। इस मिशन के तहत विक्रम को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जानी थी, लेकिन गति अनियंत्रित होने की वजह से उसने हार्ड लैंडिंग की और वैज्ञानिकों का उससे संपर्क टूट गया। इसके बाद चंद्रयान 2 की ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर तिरछे पड़े लैंडर विक्रम की तस्वीर भेजी, जिसके बाद उससे दोबारा संपर्क स्थापित करने की उम्मीद जाग गई थी। इसरो ने भी उससे संपर्क स्थापित करने की कई कोशिशें की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इससे रोवर प्रज्ञान के जरिए चांद की सतह की जानकारी इकट्ठा करने में इसरो को भले ही परेशानी आई, लेकिन दुनिया ने न केवल इसरो का लोहा माना बल्कि उसकी तारीफ भी की। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।